दोस्तों अगर बात करते हैं 5000 की रेंज के फोन के बारे में या 6000 से नीचे की रेंज के फोन के बारे में, तो कुछ दिनों पहले तक तो हम ये सोचते थे कि 5000 रुपए के अंदर एक नॉर्मल ठीक ठाक सा फोन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज की तारीख में इस रेंज के अंदर बहुत ही कमाल धमाल फोन जो है आ चुके हैं। इवन आप पबजी गेम खेल सकते हैं, वो भी लैग फ्री, और काफी अच्छा आपको इसके अंदर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बड़े बड़े ब्रांड्स के फोन है इसके अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वो सभी फोन जो कि 5000 की रेंज के अंदर आपको मिल जाएंगे या 6000 की रेंज से नीचे आपको मिल जाएंगे, और लगभग एक्सपीरियंस आप कर पाएंगे वो ऑलमोस्ट फीचर्स जो कि आपको एक अच्छे फोन के अंदर मिलते हैं। तो अगर आपका बजट है 5000-6000 के बीच का और आप लेना चाहते हैं एक अच्छा फोन, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन, द चैनल विद द वाई फैक्टर। बिना वक्त गवाए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर फोन की बात करूं तो वो है रेडमी का 6A। क्या जबरदस्त ये फोन है, मैंने इस फोन को इस्तेमाल किया है इसलिए मैं आपको बिल्कुल इत्मीनान के साथ ये बता सकता हूँ कि वैल्यू फॉर मनी MI ने कमाल किया है इस फोन के अंदर, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी इतनी स्ट्रांग है। 13 मेगापिक्सल का इसके अंदर आपको कैमरा मिल रहा है जो रियर वाला है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है, और कैमरा की परफॉर्मेंस जो है वो ठीक परफॉर्मेंस है। अगर मैं प्राइस के हिसाब से बात करूं तो मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी लगी। हीलियो का इसके अंदर A22 का आपको प्रोसेसर मिलने वाला है जो कि 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी में बना हुआ है, जो AI को सपोर्ट करता है। मतलब आपको बुके इफेक्ट भी मिलने वाला है उन कैमरा के अंदर। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा काम कर दिया MI ने इसके अंदर। 2 GB के अंदर आपको रैम मिलेगी, साथ ही आपको 16 GB की स्टोरेज मिलने वाली है, और अलग से जो आप मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर आपको 32 GB या 64 GB का अलग से कार्ड लगाना है तो 256 GB तक ये सपोर्ट करता है, तो एक्स्ट्रा कार्ड भी आप इसमें लगा सकते हैं। 3000 mAh इसमें आपको बैटरी मिलेगी जो कि मेरे हिसाब से बड़े आराम से एक दिन निकाल देती है। 5.45 इंचेस का आपको HD डिस्प्ले मिलने वाला है, वो भी 18:9 के एस्पेक्ट रेशियो के अंदर। दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि MI के जो फ़ोन हैं वो डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी होते हैं, और काफ़ी अच्छा ये आपको, मतलब एक जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं उसके बाद में रिटर्न आपको ला के देते हैं। मैंने MI के फ़ोन को नॉर्मली ऐसे ख़राब होते हुए भी नहीं देखा है, तो लंबे टाइम तक ये चलते हैं फ़ोन। दमदार इनकी बैटरी होती है और अच्छे इनके अब फ़ोन में कैमरा भी अच्छा लगे हैं, प्रोसेसर वगैरह भी काफ़ी अच्छे देते हैं। तो आप इस फोन के लिए फोर शोर जा सकते हैं, 5990 रुपये में आपको मिल जाएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आपको खरीदना है तो सिंपली उस पर क्लिक कीजिएगा और आप रिडायरेक्ट होकर उसको खरीद सकते हैं। दोस्तों दूसरे अगर फोन की बात करूं, दूसरे फोन की बात करने से पहले, क्या आपने हमारे चैनल पर चल रहे गिव अवे के अंदर हिस्सा लिया है? नहीं लिया है? इंस्टेंटली छोटी सी आप क्लिप देखिए, उसके बाद में आपको बताता हूं दूसरे फोन के बारे में। दोस्तों आपके चैनल पर चल रहा है एक जबरदस्त गिव अवे जिसके अंदर जीत सकते हैं आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 हेडफोन्स, उसके अंदर गेमिंग हेडफोन्स भी हैं। तो बस जीतने के लिए आपको सिंपल सी चीज करनी है कि चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और इसके रिजल्ट निकलेंगे बिल्कुल लाइव। और साथ में एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया, इसके अंदर आपको जीतने के मौके सिर्फ 1 या 2 नहीं पूरे 5-5 मौके मिलेंगे, यानी कि एक इंसान जो है 5 एंट्री कर सकता है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप लाइक करते हैं तो आपकी एक एंट्री होगी, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और चैनल को आप शेयर करेंगे, और साथ ही अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो ये 5 आपकी एंट्रीज बन जाती हैं। तो जीतने के आपके चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर जीतेंगे इसको, लाइव रिजल्ट इसके मैं निकालूंगा। तो जल्दी से फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए शेयर, और ऑल द बेस्ट। दोस्तों दूसरे अगर फ़ोन की बात करूं तो वो है ASUS का ZenFone Lite L1। दोस्तों क्या कमाल का फोन है, 5990 रुपये की रेंज के अंदर आपको मिलेगा। 2 GB की इसमें आपको रैम मिलती है, 16 GB की स्टोरेज मिलती है, लेकिन इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 430 का प्रोसेसर। दोस्तों इस रेंज के अंदर ये प्रोसेसर आपको मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही इसमें आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करता हूँ तो 2.5D का कर्व ग्लास इसमें आपको मिलता है, यानी कि गोरिल्ला ग्लास का इसमें आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। स्क्रीन की अगर मैं बात करता हूँ तो 5.45 इंचेस की HD प्लस इसके अंदर डिस्प्ले मिलने वाला है जो कि 18:9 के एस्पेक्ट रेशियो पे चलता है। दोनों ही कैमरास के अंदर आपको LED आपको मिल जाएगी, मतलब फ्लैश, तो थोड़ा सा आपकी पिक्चर क्वालिटी जो है वो और अच्छी हो जाएगी। 3000 mAh इसके अंदर आपको बैटरी मिलती है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड ओरियो मिल जाएगा, 3 आपको स्लॉट मिलते हैं, यानी कि 2 अगर आप SIM लगा लेते हैं तो अलग से मेमोरी कार्ड लगाने का आपको स्लॉट मिल जाता है। तो आप अलग से अपनी पसंद के 32 GB 64 GB या जो भी आपको चाहिए उसका आप मेमोरी कार्ड अलग से लगा सकते हैं। 3000 mAh इसके अंदर आपको बैटरी मिल जाएगी जो बड़े आराम से आपका एक दिन निकाल देगी। ये बहुत ही कमाल धमाल फोन है। दोस्तों अगर आपका रेंज 6000 से नीचे का है तो डेफिनेटली मैं एक बिग थम्स अप देता हूं इस फोन के लिए, आप इस फोन के लिए जा सकते हैं।
और हम बात करते हैं अपने तीसरे फोन के बारे में। दोस्तों तीसरे फोन के बारे में बात करने से पहले एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मतलब अगर मैं बात करता हूँ 5000 या 6000 की रेंज के फोन के बारे में, तो आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको दुनिया भर के फोन मिल जाएंगे, लगभग आप देखें तो 1000 फोन आपको मिल सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ऊट पटांग कोई भी आपको लिस्ट बना के दे दूँ जिसके अंदर 7, 8 या 10 फोन मैं आपको बना के दे दूँ। मेरा सोचना ये है कि चाहे फोन हो 4, चाहे 3 या 5, लेकिन उस कैटेगरी के अंदर जो बेस्ट फोन हो मैं आपको सजेस्ट करूं, ताकि अगर आप उन फोन को खरीदे तो आपको किसी भी तरीके की निराशा ना हो, आपको अपने पैसे की पूरी वैल्यू मिले। तो ऐसे में काफी रिसर्च करी है मैंने लगभग हर फोन पे, और उसके बाद मैंने जो लिस्ट निकाली है उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तीसरे फोन की अगर बात करता हूँ तो वो है Redmi का 5A। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि Redmi एक अच्छा ब्रांड है और Redmi 5A थोड़ा सा पुराना है, लेकिन डेफिनेटली आज भी ये कड़ी टक्कर देता है नए खिलाड़ियों को जो कि मोबाइल मार्केट में आए हुए हैं इस रेंज के अंदर। इसके अंदर आपको मिलता है Qualcomm का Snapdragon का 425 प्रोसेसर। Snapdragon प्रोसेसर है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहेगा परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर अच्छी मिलने वाली है। 2GB के अंदर आपको रैम मिलेगी, 16GB की स्टोरेज मिलेगी जिसे आप 256GB तक बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर आपको 3000mAh की बैटरी मिलने वाली है, साथ ही आपको 13MP का आपको मेन कैमरा मिलने वाला है और 5MP का आपको फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। 5 इंच के अंदर आपको HD डिस्प्ले मिल जाएगी और 3000mAh के अंदर आपको बैटरी मिलेगी। तो कंप्लीट पैकेज आपको इस फोन के अंदर मिलने वाला है, साथ ही आपको मिलेगा MIUI 9 का सपोर्ट और Android Nougat 7 जो आपको आउट द बॉक्स ऑप्शन मिल जाएगा। तो डेफिनेटली ये फोन भी काफी वैल्यू फॉर मनी आपके लिए होके आएगा। और ये थे वो फोन दोस्तों जो कि मैं छाट के लाया हूं इस रेंज के अंदर, बिंदास आप इनको खरीद सकते हैं अगर आपका रेंज ये है 5000 से 6000 के बीच में। और दोस्तों इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।